सीमा रेखा, एकांकीकार विष्णु प्रभाकर। पात्र परिचय: लक्ष्मीचंद व्यापारी, सबसे बड़े भाई, आयु 56 वर्ष। शरद चंद्र उपमंत्री, दूसरे भाई, आयु 52 वर्ष। कैप्टन विजय पुलिस कप्तान, तीसरे भाई, आयु 48 वर्ष। सुभाष चंद्र जन नेता, चौथे भाई, आयु 44 वर्ष। तारा लक्ष्मी चंद्र की पत्नी, अन्नपूर्णा शरद चंद्र की पत्नी, उमा कैप्टन विजय की पत्नी, सविता सुभाष चंद्र की पत्नी। दूसरे भाई उपमंत्री शरद चंद्र का ड्राइंग रूम, आधुनिक पर सादगी की छाप। दीवार पर गांधी जी का तैल चित्र है, दो चार चित्र तिपाइयों पर भी हैं, पुस्तकें काफी हैं, बीचों बीच एक सोफा सेट है। उत्तर की ओर सामने दो द्वार हैं जो बाहर बरामदे में खुलते हैं, उसके पार सड़क है। पूर्व और पश्चिम के दो द्वार घर के अंदर जाते हैं। सोफे व मेजों के आसपास कुर्सियां हैं। पर्दा उठने पर मंच खाली है। दो क्षण बाद शरद चंद्र तेजी से आते हैं, बेहद परेशान है। कई क्षण बेचैनी से घूमते हैं, फिर टेलीफोन उठा लेते हैं, नंबर मिलाते हैं। शरद: हेलो, मैं शरद बोल रहा हूँ, विजय का कुछ पता लगा? क्या क्या अभी तक नहीं लौटे? झगड़ा बढ़ गया क्या? क्या गोली गोली चलानी पड़ी? भीड़ बैंक के पास बेकाबू हो गई थी, बैंक को लूटा? नहीं नहीं। और लूटमार हुई? नहीं। कोई घायल? अभी कुछ पता नहीं। ओह, देखो अभी पता करके बताओ। विजय आए तो मुझे टेलीफोन करने को कहो, तुरंत, समझे? मैं घर पर ही हूँ। दूसरा नंबर मिलाना चाहते हैं कि उनकी पत्नी अन्नपूर्णा घबराई हुई बाहर से आती है। अन्नपूर्णा: आपने कुछ सुना है? शरद: हाँ सुना है, गोली चल गई। अन्नपूर्णा: अपने राज में भी गोली चलती है? शरद: अपना राज समझता कौन है, जब तक अपना राज नहीं समझेंगे तब तक गोली चलेगी ही। लेकिन खैर, तुम कहाँ गई थी? अन्नपूर्णा: जीजी के पास, रास्ते में सुना रामगंज में गोली चल गई, बाजार बंद हो रहे हैं, भय छाया हुआ है, लोग सरकार को गालियां दे रहे हैं। शरद चुंगा रखकर आगे आ जाते हैं: सरकार को गाली ही दी जाती है, गोली चली तो गाली देते हैं, बैंक लूट जाता तब भी गाली ही देते। अन्नपूर्णा एकदम: बैंक? कौन सा बैंक लूट रहा था? बैंक से तो कुछ झगड़ा नहीं था, कल आपके पीछे कुछ विद्यार्थी बस वालों से झगड़ पड़े थे, और आप जानते हैं कि विद्यार्थी। शरद एकदम: कि विद्यार्थी कानून की चिंता नहीं करते, बच्चे हैं, अल्हड़ हैं। तेज होकर: यह भी कोई बात है, लोग पागल हो जाते हैं, कानून अपने हाथ में ले लेते हैं, गोली चली है तो जरूर कोई कारण रहा होगा, कुछ लोगों ने बैंक पर धावा बोला होगा, पुलिस पर पत्थर फेंके होंगे। सविता का प्रवेश, चौथे भाई, जन नेता सुभाष चंद्र की पत्नी, आयु 35 वर्ष। सविता: फेंके होंगे तो उसका अर्थ यह नहीं कि पत्थर के जवाब में गोली चला दी जाए, गोली उन्हें आत्मरक्षा के लिए नहीं दी जाती, जनता की रक्षा के लिए दी जाती है। अन्नपूर्णा: सविता तुम कहां से आ रही हो? लक्ष्मी चंद्र का प्रवेश, व्यापारी, सबसे बड़े भाई, आयु 56 वर्ष। शरद: तुम क्या कह रही हो? सविता: मैं ठीक कह रही हूँ। लक्ष्मी: तुम बिल्कुल गलत कह रही हो, पुलिस गोली न चलाती तो बैंक लूट जाता, बाजार लूट जाता, चारों ओर लूट मार मच जाती, शासन की जड़ें हिल जाती। सविता: शासन की जड़ें हिलती या न हिलती दादाजी, पर आपकी जड़ें जरूर हिल जाती, आपका व्यापार ठप हो जाता, आपका नुकसान होता। लक्ष्मी: हाँ मेरा नुकसान होता, मैं सरकार की प्रजा हूँ, प्रजा की रक्षा करना सरकार का फर्ज है। सविता: यानी सरकार की पुलिस आपकी रक्षा करने के लिए है? लक्ष्मी: हाँ मेरी रक्षा करने के लिए है। सविता: केवल आपकी? अन्नपूर्णा: न न सविता, इनका मतलब केवल अपने से नहीं है, भीड़ इनका ही नुकसान करके नहीं रह जाती, सारे शहर को बर्बाद कर देती। सविता: भीड़ में इतनी शक्ति है जीजी? शरद: भीड़ में कितनी शक्ति है सवाल यह नहीं है। सविता: तो क्या है? शरद: सवाल यह है कि क्या भीड़ को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार है? मैं समझता हूँ उसे यह अधिकार नहीं है। सविता: और यदि वह लेती है तो? शरद: तो वह विद्रोह है, और विद्रोह को दबाने का सरकार को पूरा पूरा अधिकार है। सविता:
लेकिन विद्रोह क्यों किया गया है यह देखना क्या सरकार का कर्तव्य नहीं है? टेलीफोन की घंटी बजती है। शरद एकदम चोंगा उठाते हैं। सब उनके पास आते हैं। शरद, हेलो, हाँ मैं ही हूँ। क्या स्थिति अभी काबू में नहीं है? लूट मार तो नहीं हुई ना? अच्छा, घायल कितने हुए? 5 वही मर गए? 20 घायल अस्पताल में हैं। मैं अभी आता हूँ, अभी। टेलीफोन का चोंगा रखकर तेजी से जाने को मुड़ते हैं। अन्नपूर्णा एकदम, नहीं नहीं, आप ऐसे नहीं जा सकते। लक्ष्मी, हाँ पहले फोन करके पुलिस बुलवा लो। सविता, पुलिस क्या करेगी, चलिए मैं चलती हूँ। शरद, आप चिंता ना करें, पुलिस की गाड़ी बाहर खड़ी है। सविता व्यंग से, जरूर होगी, जनता के नेता अब पुलिस की गाड़ी में ही जा सकते हैं। आवेश में, जिन्होंने जनता का नेतृत्व किया, जनता के आगे होकर गोलियां खाई, जो एक दिन जनता की आंखों के तारे थे, वे ही आज पुलिस के पहरे में जनता से मिलने जाते हैं। शरद तिल मिलाकर कुछ कहना चाहते हैं कि तभी तीसरे भाई विजय, पुलिस कप्तान, आयु 48 वर्ष, पूरी वर्दी में प्रवेश करते हैं। लक्ष्मी एकदम, विजय। सविता, कप्तान साहब आप यहाँ? अन्नपूर्णा, विजय अब क्या हाल है? शरद, विजय तुमने यह क्या कर डाला? तुमने गोली क्यों चलाई? तुम्हें सोचना चाहिए था कि। लक्ष्मी, विजय ने जो कुछ किया सोच समझ कर किया है और ठीक किया है। अन्नपूर्णा, हाँ बिना सोचे समझे कोई काम कैसे किया जा सकता है? सोचा तो होगा ही पर। शरद, नहीं नहीं यह बहुत बुरा हुआ। जानते नहीं अब जनता का राज है और जनता के राज में, जनतंत्र में जनता की प्रतिष्ठा होती है। विजय, लेकिन गुंडों की नहीं। सविता, वे गुंडे हैं? लक्ष्मी, हाँ वे गुंडे हैं, दंगा करने वाले गुंडे होते हैं, शोहदे होते हैं। शरद, नहीं भैया वे सब गुंडे नहीं होते, हाँ गुंडों के बहकावे में जरूर आ जाते हैं। सविता, यह भी खूब रही, जनता कुछ गुंडों के बहकावे में आ जाए और आप लोगों की जो कल तक उनके सब कुछ थे कोई बात न सुने। शरद तिल में लाकर, सविता सविता। सविता, सुनिए भाई साहब, बात यह है कि आप अपना संतुलन खो बैठे हैं, आप निरंकुश होते जा रहे हैं, आप अपने को केवल शासक मानने लगे हैं, आप भूल गए हैं कि जन राज में शासक कोई नहीं होता, सब सेवक होते हैं। विजय थकासा, सेवक होते हैं तो क्या सेवक मर जाने के लिए है? सविता, हाँ मर जाने के लिए ही है, कोई मर कर देखे तो। लक्ष्मी, सविता बहू बहुत आगे बढ़ रही हो, स्वतंत्रता का युग है तो इसका यह मतलब नहीं कि बड़े छोटे का विचार न किया जाए। अन्नपूर्णा, हाँ सविता तुम्हें इतना तेज नहीं बोलना चाहिए। सविता, मैं क्षमा चाहती हूँ, आप सब मुझसे बड़े हैं, आपका अपमान मैं कभी नहीं कर सकती, ऐसा सोच भी नहीं सकती, पर इस नाते रिश्ते के ऊपर भी तो हम कुछ हैं, हम स्वतंत्र भारत की प्रजा हैं, हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, हम इंसान हैं। विजय, इंसान हैं तो सभी हैं, स्वतंत्र देश के नागरिक हैं तो सभी हैं, कानून सब पर लागू होता है। लक्ष्मी, बेशक सब पर लागू होता है, सब समान है। सविता, बेशक सब समान है दादाजी, पर जिन पर व्यवस्था और न्याय की जिम्मेदारी है उनका दायित्व अधिक है। शरद, जरूर है, इसलिए मुझे जाना है, लेकिन जाने से पहले मैं जानना चाहूंगा विजय कि आखिर बात कैसे बढ़ गई। विजय, मैं तो वहां था नहीं, कल के झगड़े के बारे में आप जानते ही हैं, आज फिर विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किए, डिपो पर हमला किया, यहां से वे बैंक के पास आए। शरद, क्या उन्होंने बैंक पर हमला किया? विजय, कर सकते थे, शायद वे यही चाहते थे। शरद, कौन, विद्यार्थी? विजय, यह तो नहीं कह सकता, भीड़ केवल विद्यार्थी ही नहीं थे, शरारती लोग ऐसे अवसरों की ताक में रहते हैं, पुलिस ने भीड़ को रोका तो उन्होंने पत्थर फेंके। अन्नपूर्णा, पुलिस पर पत्थर फेंके? लक्ष्मी, तब तो जरूर उनका इरादा बैंक लूटने का था। शरद, क्या पुलिस वालों को चोटें आई? विजय, जी हाँ 10-12 सिपाही घायल हो गए, एक इंस्पेक्टर का सिर फूट गया। बस, लक्ष्मी तुम चाहती थी मर जाते। चौथे भाई का प्रवेश, जन नेतु 44 वर्ष, वे बस मर जाते तो ठीक। सुभाष, अन्नप यह तुम क्या कह रहे हो, कम्युनिस्ट हो गए हो और अपनी बहू किया है। बाहर शोर उठता है,
सुभाष, दादाजी मैं ना कभी कम्युनिस्ट था, न हूँ और न कभी बनूंगा, पर मैं स्वतंत्र भारत में गोली चलना जुर्म मानता हूँ। लक्ष्मी, चाहे जनता कुछ भी करे उसे सब अधिकार है। सुभाष, बेशक है, उसी ने इन लोगों के, शरद की ओर इशारा करता है, हाथ में शासन की बागडोर सौंपी है। शरद, किस लिए सौंपी है, रक्षा के लिए या बर्बादी के लिए? बाहर शोर तेज होता है। सविता चौंकती है, धीरे से बोलती है और बाहर जाती है। शेष लोग तेज तेज बोलते रहते हैं। सविता अलग से, यह शोर कैसा है, देखूं तो? खिसक जाती है। सुभाष शरद की बात का उत्तर देते हुए, रक्षा के लिए। शरद, लेकिन जब जनता स्वयं नाश करने पर तुल जाए तो क्या हमें उसे ऐसा करने देना चाहिए? सुभाष, नहीं। विजय एकदम, यही तो हमने किया है। लक्ष्मी, और ठीक किया है। शरद, और ऐसा करने का उन्हें अधिकार है, वे हैं ही इसलिए। तुम भी इसे मानते हो तो फिर कहना क्या चाहते हो? सुभाष, यही कि हमें राज्य की रक्षा करते करते प्राण दे देने चाहिए, प्राण लेने नहीं चाहिए। हमें देने का ही अधिकार है, लेने का नहीं। शरद, सुभाष यह कोरा आदर्शवाद है। सुभाष, कर्तव्य का पालन करते हुए मरना यदि आदर्शवाद है तो मैं कहूंगा कि विश्व के प्रत्येक नागरिक को ऐसा ही आदर्शवादी होना चाहिए। शरद, सुभाष तुम केवल बोलना जानते हो। सुभाष, आपसे ही सीखा है भाई साहब। विजय, लेकिन जिम्मेदारी संभालना नहीं सीखा। सुभाष, वह भी सीखा है, मैं जनता से प्रतिज्ञा करके आया हूं कि आज शाम तक गोली चलाने वाले कप्तान पुलिस को मुअत्तिल करा के छोड़ूंगा। अन्नपूर्णा, क्या क्या कहा तुमने? अपने ही घर में तुम अपनों के दुश्मन बनकर आए हो। सुभाष, अपना पराया मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं जनता का प्रतिनिधि हूं। मैं माननीय उपमंत्री श्री शरद चंद्र को बताने आया हूं कि उनके एक अधिकारी ने निहत्थी जनता पर गोली चलाकर जो बर्बर काम किया है उसकी जांच करवानी होगी, और जब तक वह जांच पूरी नहीं होती तब तक गोली चलाने से संबंधित सब व्यक्तियों को मुअत्तिल करना होगा। शरद, यह किसकी मांग है? सुभाष, उस जनता की जिसने आपको गद्दी सौंपी है, जिससे आप आज दूर भागते हैं, डरते हैं। शरद, मैं डरता हूं? सुभाष, हाँ आप डरते हैं, यदि न डरते तो घर में छिपकर बैठे रहने की बजाय जनता के पास जाते, तब यह नौबत न आती, गोली न चलती, निर्दोष निहत्ते नागरिक न मरते। शरद, लेकिन तुम भी तो जनता के नेता हो, तुमने कौन सा तीर मार लिया? सुभाष, मैंने क्या किया है यह मेरे मुंह से सुनकर क्या करेंगे, पर इतना कह देता हूं कि जनता संयत न रहती तो कप्तान विजय चंद्र यहां बैठे दिखाई न देते। इनसे पूछिए तो कि क्या इन्हें बंदूकें इसलिए दी गई थी कि जरा सा पत्थर आ लगे तो जनता को गोलियों से भून दे? लक्ष्मी, गोली न चलती तो? सुभाष एकदम, दादाजी आप न बोले, आप व्यापारी है, आपका सिद्धांत आपका स्वार्थ है। लक्ष्मी एकदम आवेश में, मैं तो स्वार्थी हूं, पर तुम अपनी कहो, तुम्हारी नेतागिरी भी तो मुझे स्वार्थ के पैसे से ही चलती है। सुभाष, ठीक है, उतना पैसा सार्थक होता है, पर आप यह क्यों भूल गए कि उस दिन जब कुछ व्यापारी पकड़े गए थे तो आपने विजय भैया को कितना कोसा था? लक्ष्मी, और आज तुम कोस रहे हो क्योंकि तुम मंत्री नहीं हो, विरोधी दल के हो। सुभाष, हाँ मैं विरोधी दल का हूँ, लेकिन दादाजी मैं आपसे बातें नहीं कर रहा। लक्ष्मी क्रोध में, तो मैं ही कब तुमसे बातें कर रहा हूँ? वाह, तेजी से अंदर जाते हैं। अन्नपूर्णा, दादाजी दादाजी, पीछे पीछे जाती है, विजय भी जाते हैं। सुभाष, मैं माननीय उपमंत्री महोदय से पूछता हूँ कि? शरद एकदम, और मैं तुमसे पूछता हूँ कि क्या जनता के राज में भी सड़कों पर प्रदर्शन होने चाहिए, भीड़ को कानून हाथ में लेना चाहिए? सुभाष, जब तक सरकार और उसके अधिकारी ठीक आचरण नहीं करेंगे तब तक जनता प्रदर्शन करती ही रहेगी, कानून हाथ में लेती रहेगी। भाई साहब, इस नौकरशाही ने, शासन की इस भूख ने आपको जनता से दूर कर दिया है। शरद, सुभाष तुम बार बार एक ही बात की रट लगाए जा रहे हो। सुभाष, मैं ठीक कह रहा हूँ,
जनता सरकार के ढांचे को उतना महत्व नहीं देती जितना अधिकारियों की ईमानदारी और हमदर्दी को। आप चलिए मेरे साथ। सहसा शोर बढ़ता है। शरद, एकदम हाँ, मैं चलूंगा। मुझे तो कभी का चले जाना था, पर यह शोर कैसा है? सुभाष, अवश्य कोई बात है, देखूं। जाने को मुड़ता है तभी लक्ष्मीचंद्र की पत्नी तारा देवी विक्षिप्त सी वहां आती है। तारा, पागल सी, विजय कहाँ है? चारों तरफ देखती है। सुभाष, भाभी जी क्या बात है? तारा, मैं पूछती हूँ, विजय कहाँ है? उसका मनचाहा हो गया, उसकी गोली अरविंद के सीने से पार हो गई। शरद, एकदम भाभी। सुभाष, भाभी तुम क्या कह रही हो? सविता का प्रवेश। सविता, भाभी ठीक कह रही हैं, अरविंद जनता की सरकार की गोली का शिकार हो गया। लक्ष्मी चंद, विजय, अन्नपूर्णा का प्रवेश। लक्ष्मी, कौन गोली का शिकार हो गया? सविता, अरविंद। लक्ष्मी, काम कर। क्या क्या अरविंद मर गया? तारा, हाँ, गोली उसके सीने से पार हो गई, वह मर गया। सब हक्के बक्के रह जाते हैं, पागल से देखते हैं। लक्ष्मी चंद्र सोफे पर गिर पड़ते हैं। विजय दोनों हाथों से मुंह ढक लेते हैं। अन्नपूर्णा पागल सी तारा को संभालती है और बोलती है। अन्नपूर्णा, अरे मेरे अरविंद को किसने मार डाला? नाश हो जाए इस पुलिस का, बिना गोली कोई बात ही नहीं करती। अरे विजय, यह तुमने क्या किया? विजय पागल सा, ओह यह क्या हुआ? अरविंद वहां क्यों गया था? टेलीफोन की घंटी बजती है। सविता उठाती है। सविता, हेलो। जी हाँ, है। विजय से, कप्तान साहब आपका फोन है। विजय फोन लेकर, जी हाँ, क्या भीड़ बेकाबू हो गई है टोलीगंज में? हाँ अभी आया। चोंगा पटक कर तेजी से किसी की ओर देखे बिना भागता है। सुभाष, मैं भी जाता हूँ, कहीं कुछ हो ना जाए। जाता है। शरद, मैं भी चलता हूँ। मुड़ता है पर जब तारा बोलती है तो ठिटक जाता है। अन्नपूर्णा, तारा भाभी भी अंदर चले। उठाती है। तारा, पूर्ववत, सब जाओ, पर अरविंद क्या आएगा? उसने किसी का क्या बिगाड़ा था? वह चिल्लाया, मैं दंगा नहीं करता, मैं बाजार जाता हूँ। विक्षुब्ध हो जाती है। लक्ष्मी, पर मदांध पुलिस वालों ने एक ना सुनी। पुलिस को अपनी जान इतनी प्यारी है कि इस 10 वर्ष के बच्चे से भी उन्हें डर लगा। सविता, जाते जाते किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी, किसी ने उसकी ओर नहीं देखा। लक्ष्मी, सब अंधे हैं, ताकत के अंधे, जो सामने आता है उसे कुचल देना चाहते हैं, चाहे वह धूल हो चाहे पत्थर। शरद, जाता हुआ व्यथा से, ओह यह क्या हो रहा है, यह क्या हुआ? लक्ष्मी, वही हुआ जो विजय चाहता था, जो तुम चाहते थे। शरद, एकदम दादाजी। लक्ष्मी, पूर्ववत, तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया, मेरे बच्चे को मार डाला, तुम सब हत्यारे हो। शरद, दादाजी, ओह मैं क्या करूं? लक्ष्मी, पूर्ववत, जब पैसे की जरूरत होती है तो मेरे पास भागे आते हो, टैक्स मांगते हो, दान मांगते हो, व्यापार में पैसा लगाने को कहते हो और मुझी पर गोली चलाते हो। शरद, दादाजी गोली उन्होंने जानबूझकर नहीं चलाई, अरविंद तो बच्चा था, उससे किसी को क्या बैर था। लक्ष्मी, बैर क्यों नहीं था, वह जनता में था और तुम हो जनता के शत्रु। मैं अभी जाकर विजय से पूछता हूँ। जाने को उठते हैं। सविता आती है। सविता, अभी रुके दादाजी, भाभी जी को दौरा पड़ गया है। टेलीफोन की घंटी बजती है। उठाती है। हेलो, जी हाँ, शरद से आपका फोन है। शरद फोन उठाकर, हेलो, जी हाँ, मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है, मुझे भी बुलाया है, मैं अभी आया। फोन रख कर जाने को मुड़ते हैं तभी सुभाष का तेजी से प्रवेश। सुभाष, भाई साहब आपको अभी चलना है। शरद, मैं चल ही रहा हूँ, मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है। सुभाष, वहाँ नहीं, आपको मेरे साथ चलना है, आपको जनता के पास चलना है, जनता बड़ी उत्तेजना में है, विद्यार्थी पीछे रह गए हैं, दूसरे समाजद्रोही तत्व आगे आ गए हैं और विजय ने गोली चलाने से इनकार कर दिया है। शरद पागल सा, विजय ने गोली चलाने से इनकार कर दिया है? सुभाष, जी हाँ। शरद, वह कहाँ है? सुभाष, भीड़ के सामने। शरद, वह भीड़ के सामने है? एकदम दृढ़ होकर, चलो सुभाष मैं देखता हूँ जनता क्या चाहती है। दोनों जाते हैं। सविता, मैं भी चलती हूँ। लक्ष्मी, मैं भी चलता हूँ। सविता, नहीं नहीं आप ठहरे, आप भाभी जी को संभाले। जाती है तभी अन्नपूर्णा आती है। अन्नपूर्णा, क्या हुआ दादाजी, सब
वहां गए? लक्ष्मी, सब गए। सुभाष आया था, कहता था विजय ने गोली चलाने से इनकार कर दिया। अब तो इनकार करना ही था, वे तो मेरे बच्चे को मारना चाहते थे। अन्नपूर्णा, नहीं नहीं दादाजी, यह बात नहीं थी। लक्ष्मी, यह बात कैसे नहीं थी? मैं सबको जानता हूँ, वे मेरे पैसे से आगे बढ़े और मुझे को बर्बाद कर दिया। मैं पूछता हूँ, उन्होंने पहले ही गोली चलाने से इनकार क्यों न किया? क्योंकि क्योंकि अन्नपूर्णा, नहीं दादाजी नहीं। लक्ष्मी आवेश में, ये मेरे छोटे भाई, एक ने मुझे स्वार्थी देशद्रोही कहा, दूसरे ने मेरे बेटे को मार डाला, मेरे मासूम बच्चे को मार डाला। रोते रोते गिर पड़ते हैं। अन्नपूर्णा संभालते हुए, दादाजी दादाजी, ओह यह एक ही घर में क्या होने लगा, भाई भाई में मन मुटाओ एकदम। नहीं नहीं, यह नहीं होगा। दादाजी आप गलत समझ रहे हैं। लक्ष्मी आंख खोलकर, मैं गलत समझ रहा हूँ अरविंद, मेरे बच्चे, तू चला गया, मैं तुझसे दो बातें भी न कर सका, तू तो भीड़ में भी नहीं था। अरविंद, तारा का प्रवेश। तारा, अरविंद, क्या अरविंद आया है, कहाँ है? अन्नपूर्णा तारा को पकड़ती है। अन्नपूर्णा, भाभी जी आप क्यों उठ गई, हम अभी अस्पताल चलते हैं, आप अपने को संभालिए। अंदर ले जाती है, लक्ष्मी चंद्र भी जाते हैं। तभी अस्त व्यस्त परेशान सविता का प्रवेश। सविता बोलती जाती है, अद्भुत दृश्य था, थी उनके आगे खड़े थे भैया, दूर से देख सकी, किसी ने पास जाने ही नहीं दिया, एक रेला आया और मैं पीछे आ पड़ी। अन्नपूर्णा जाती है, अन्नपूर्णा तुम आ गई, वे लोग कहाँ हैं? सविता, कुछ पता नहीं, मुझे किसी का कुछ पता नहीं, मैं आगे नहीं बढ़ सकी और वे दोनों आगे बढ़ते चले गए। एक बार भीड़ के बीच में सबको देखा, फिर उस ज्वार भाटे में सब कुछ छिप गया। टेलीफोन की घंटी बजती है, उठाती है, हेलो, जी हाँ जी, वे तो गए, जी हाँ भीड़ में जाते मैंने देखा था, जी हाँ। फोन रखती है। मंत्रिमंडल की बैठक में शरद भाई साहब का इंतजार हो रहा, वे अभी तक पहुंचे ही नहीं। मैं कहती हूँ, ये लोग मंत्रिमंडल की बैठक क्यों कर रहे हैं? जो लोग विदेशियों की गोलियों से नहीं डरे, वे अपने ही बच्चों और भाइयों से क्यों डरते हैं? जनता में क्यों नहीं आते? अन्नपूर्णा, क्योंकि शासन भीड़ में आकर नहीं चलाया जाता, आखिर जनतंत्र भी तो कानून का राज है। सविता, है पर एकदम नहीं, अब बहस करने का समय नहीं है, सोचने का और काम करने का समय है। बेचारा अरविंद, उसकी मौत क्यों हुई? जनराज्य में एक निर्दोष निरीह बालक की हत्या क्यों हुई? टेलीफोन की घंटी फिर बजती है, उठाकर, हेलो, क्या? हाँ हाँ, कप्तान साहब तो कभी के चले गए, क्या उनका पता नहीं मिल रहा? नहीं नहीं, वे भीड़ के सामने थे, मैंने देखा था, जी हाँ मैंने देखा था। उधर का क्या हाल है? ठीक नहीं है, उनके हुक्म के बिना कुछ नहीं कर सकते। हाँ हाँ, आए तो कह दूंगी। क्या कोई आया है? हाँ हाँ, पूछिए, हलो हलो हलो। फोन रख कर कनेक्शन काट दिया, अवश्य कोई बात है, जाने को मुड़ती है, मैं जाती हूँ। अन्नपूर्णा, सविता तुम न जाओ, ठहरो तो सविता। सविता नहीं रुकती, गई। लक्ष्मी आकर, कौन गई, क्या बात है? अन्नपूर्णा, जरूर कोई बात है, सविता टेलीफोन कर रही थी, पता नहीं किसी ने क्या कहा, भागी चली गई। लक्ष्मी, तो मैं भी जाता हूँ, अरविंद को भी लाना है। गला रुन जाता है, तेजी से जाते हैं। अन्नपूर्णा, दादाजी अभी रुकिए, किसी को आ जाने दीजिए। लक्ष्मी, घबराओ नहीं, मैं बच्चा नहीं हूँ। जाते हैं, दूसरे द्वार से विजय की पत्नी उमा, आयु 42 वर्ष, पागलों की तरह आती है। उमा, जी जी सब कहाँ हैं? अन्नपूर्णा, मुझे पता नहीं, यहाँ से तो वे कभी के गए, क्या तुझे सविता नहीं मिली? उमा, मुझे कोई नहीं मिला, अरविंद की खबर सुनकर भागी आ रही हूँ। जी 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 जी, मैं भाभी जी को कैसे मुंह दिखाऊंगी, मैं मर क्यों न गई? अन्नपूर्णा शून्यवत, न जाने क्या होने वाला है, एक ही घर के लोग एक दूसरे को खा रहे हैं। बाहर भीड़ का शोर, यह क्या, लोग इधर आ रहे हैं। उमा द्वार पर जाकर देखती है, चीख पड़ती है, जी जी। अन्नपूर्णा, क्या हुआ उमा? उठकर तेजी से आगे बढ़ती है, तभी घायल शरद वहां आते हैं, मुख पर घाव है, एक हाथ बंधा है। अन्नपूर्णा कांप कर, आप, यह क्या हुआ? शरद, वही जो होना चाहिए था, विजय भीड़ में कुचला गया पर उसने गोली नहीं चलाई। उमा,
कुचले गए? कौन? शरद, विजय कुचला गया, चला गया। उमा चीख कर, भाई साहब वे कहाँ हैं? भागती है। अन्नपूर्णा शरद से, यह तुम क्या कह रहे हो? शरद, भीड़ संतुलन खो बैठी थी, विवेक खो बैठी थी, वह चिल्लाती रही, अरविंद कहाँ है? अरविंद को लौटाओ। और विजय भीड़ के सामने अड़ा रहा, चिल्लाता रहा, मुझसे अरविंद का बदला लो, मैंने अरविंद को मारा है, तुम मुझे मार डालो। उमा और भीड़ ने उन्हें मार डाला। शरद, पता नहीं किसने मार डाला, उनके गिरते ही भीड़ पर जैसे अंकुश लग गया, पर जब वहां शांति हुई तो विजय और सुभाष दोनों कुचले हुए पड़े थे। उमा, सुभाष भी? अन्नपूर्णा, सुभाष भी कुचला गया? हाय। शरद, हाँ सुभाष भी कुचला गया, लेकिन खबरदार जो इनके लिए रोए, रोने से उन्हें दुख होगा, उन्होंने प्राण दे दिए, पर शासन और जनता का संतुलन ठीक कर दिया, वे शहीद हो गए पर दूसरों को बचा गए। नगर में अब बिल्कुल शांति है, सब मौन सगर्व इन बलिदानों की चर्चा कर रहे हैं, सब लोग संतप्त हैं। बाहर देख के, लो वे आ गए, रोना मत, रोना मत, आगे बढ़कर, हाँ वहीं लिटा दो। तभी लक्ष्मी चंद्र और सविता के साथ पुलिस के तथा दूसरे अधिकारियों का प्रवेश। धीरे धीरे वे विजय, सुभाष और अरविंद की लाशें बराबर के कमरे में लाकर रखते हैं। एक भयंकर सन्नाटा छाया हुआ है। सविता का मुख पत्थर की तरह कठोर है, लक्ष्मी चंद्र तूफान की तरह कांपे रहे हैं, शरद दृढ़ता से प्रबंध में लगे हैं, सहसा उमा तेजी से बढ़ती है, बराबर के कमरे में झांक कर जोर की चीख मारती है। उमा, मारी, क्या हुआ? तारा अंदर से आती है। तारा, कैसा शोर है अन्नपूर्णा, अरविंद आ गया, कहाँ है? शरद, भाभी यह देखो, कमरे में तीनों लेटे हैं, कभी नहीं उठेंगे, ये अरविंद और सुभाष है, यह जनता की क्षति है, और इधर यह विजय है, यह सरकार की क्षति है। अन्नपूर्णा रोकर, यह तुम कैसी बावलों की सी बातें करते हो, यह सब मेरे घर की क्षति है। सविता उसी तरह पत्थरवत, नहीं जी जी, यह घर की नहीं, सारे देश कर क्षति है, देश क्या हमसे और हम क्या देश से अलग हैं? शरद, तुमने ठीक कहा सविता, यह हमारे देश की क्षति है, जनतंत्र में सरकार और जनता के बीच कोई विभाजक रेखा नहीं उठती। पर्दा गिरता है,